हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने इस अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है, अपने स्टार्टिंग में हम जो रूल्स पढ़ते हैं, मीन्स इन शॉर्ट हम कहें तो हमारे क्लास 11th कॉमर्स में जो मैंने कहा था कि जो बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें पता होना बहुत जरूरी होता है, जिनके बिना हम पूरी अकाउंटिंग अपनी सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो ये वही रूल्स हमारे हैं। मैंने लिखा है, इनके हम एक्सप्लेनेशन आज करेंगे और बहुत अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन होगा विद एग्जाम्पल्स, इनके पूरे क्लासिफिकेशन के साथ हम इनके पूरे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये रूल अगर एक बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर इसका क्लियर हो गया, सो यही रूल हमारा क्लास फर्स्ट ईयर में हम चाहे कोई भी चैप्टर अगर लगाते हैं क्वेश्चंस उसके, तो ये रूल वहां पे हमेशा अप्लाई होंगे। क्लास 12th में जाएंगे तो वहां भी सेम चीज होंगी, बीकॉम, बीबीए या फिर अगर हम सीएससीएस करते हैं तो वहां पे भी हमारे यही सारे रूल्स पे हमारे क्वेश्चंस लगते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर हम अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग सब्जेक्ट किसी भी पैटर्न में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो हमें इन रूल्स की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो एक रूल मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, डेबिट एंड क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के मैंने क्लासिफिकेशन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मेंशन कर दूंगा। हम आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जैसे कि ये रूल है, इन्हें हम अपने अकाउंटिंग के या फिर पूरे कॉमर्स फील्ड के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। मींस ये हमारे कॉमर्स के क्या है, गोल्डन रूल्स है। बिना इन रूल्स के हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किए हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ accounts. First is personal, real and nominal. But we can simply say that there are 2 types. First is personal and second is impersonal. And there are 2 types of impersonal account, which is real account and nominal account. लेकिन जब हम questions को लगाते हैं तो हमें यहाँ पे impersonal account की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम सिर्फ personal account, real account and nominal account को बोलते हैं कि हमारे ये तीनों accounts के यही type है और यही rules यहाँ पर apply होंगे। लेकिन इन केस में हो सकता है आपसे कोई पूछ भी सकता है, इन अगर आप 12th में जाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि ये रियल एंड जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये किसके टाइप्स होते हैं, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सर ये इम्पर्सनल अकाउंट के टाइप्स होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इनका कोई यहां पर यूज नहीं होगा, इम्पर्सनल हमें कहने के लिए, सिर्फ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल हमें बोलना है। अब इसके बाद से तो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, सो हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो पर्सनल मींस, तो जैसा कि हम कहते हैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, हम पर्सनल को पर्सनल ना बोल के हम सिर्फ कहेंगे अगर हम पर्सन, ठीक है, ये पर्सनल वर्ड यहीं से तो बन रहा है, तो हमने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो बना क्या हमारा नया वर्ड, पर्सन। और पर्सन मींस क्या होता है, कोई भी आदमी, ठीक। तो यहीं से हमारा यहां पे क्लासिफिकेशन हो जाता है, पर्सनल मींस क्या हुआ, किसी भी पर्सन का नाम। सो यहां पर भी इनके क्लासिफिकेशन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। द फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो अब यहां पर हम नेचुरल पर्सनल की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेचुरल मींस क्या हुआ, जो हमारे नेचर में है, फॉर एग्जांपल जो लिविंग थिंग्स में, जैसे कि हम लोग और सभी स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी पर्सन है वो हमारे नेचुरल पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, सीमाज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो राम और सीमा क्या है, किसी पर्सन के नेम है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। ये किस टाइप के, नेचुरल पर्सनल। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी एक पर्सन ही होते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि डेटर्स मींस जिन्हें हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो भी एक पर्सन है, एंड क्रेडिटर्स मींस जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट मींस उधार, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो भी एक पर्सन ही है। सो वो भी हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नेचर में आ जाएंगे। द सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाउ आर्टिफिशियल मींस, तो जैसे कि आर्टिफिशियल वर्ड आता है तो मींस क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल है, मींस ये बनावटी है, ठीक है ना, इसे बनाया गया, तो ये ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, सो फॉर एग्जांपल एनी फर्म्स नेम, एनी ऑर्गेनाइजेशंस नेम, किसी भी बैंक का नाम या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि फर्म के नाम की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, ठीक है, फिर TCS कंपनी हो गई, विप्रो कंपनी हो गई। विप्रो का मैं एग्जांपल अभी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है।
सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बैंक में कह दिया मैंने, तो बैंक में ओपन होने वाले अकाउंट की बात नहीं किया जा रहा है यहां पे, यहां पर बात किया जा रहा है बैंक ऑर्गेनाइजेशन के नेम की। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, ठीक, पीएनबी और हमारे अलाहाबाद बैंक, ये सारे बैंक जो हैं ये हमारे लिए क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नेचर में आते हैं। और इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या होगा, जैसे कि हमारा स्कूल, ठीक है, आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे वो स्कूल भी क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नेचर में आता है, ठीक है। जैसे कि मेरा कोचिंग सेंटर है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस के नाम से, तो वो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नेचर में आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जैसा कि इसका भी नाम आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर हम टेटिव वाला वर्ड लगाते हैं क्या वर्ड आ रहा है, रिप्रेजेंट। और रिप्रेजेंट मीन्स क्या होता है कि हमें बताना, किसी और को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि हमारे जगह आज कोई और बोलेगा, मीन्स हमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है सो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस इनकम का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने बताया ही था, लेकिन एक्सपेंसेस में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के टाइप्स हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में शेयर किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड या फिर अनअर्न्ड इनकम, दोनों ही वर्ड आते हैं। तो यहां पर ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये एक्रूड इनकम है और ये अनअर्न्ड इनकम है। अब यहां पर जो हमारे एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सभी के कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया अपने लास्ट वीडियो में। यहां पर हमें सिर्फ ये समझना है कि रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग का मैंने एग्जांपल बताया था कि एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं और एरियर होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस बाकी, एक्सपेंसेस मीन्स हमारे खर्चे हो गए जो हमें पे करना है, लेकिन अगर ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें फ्यूचर में पे करना है तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, जो कि इस टाइप का एक्सपेंस है कि इसे फ्यूचर में पे करना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये ऐसा टाइप का एक्सपेंसेस है जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। एक्रूड एंड अनएक्रूड का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट के सेंस में आ जाता है कि एक्रूड इनकम जो है इनकम को रिप्रेजेंट करेगा और अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम हमारे रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, इनकम को, ठीक। इनका पूरा क्लासिफिकेशन डेफिनेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसके मेंशन कर दूंगा। अब हम आते हैं बात अपने रूल के ऊपर, जो रूल हमारा अप्लाई होगा पूरे हर जगह पे। सो पर्सनल अकाउंट, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विच इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मीन्स जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, हम एकदम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे तो यहां पर हमारा ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है और इसका नाम है राम, जैसा कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिया था, ठीक है। तो ये हमारा राम नाम का एक पर्सन है। अब ये रिसीवर अगर है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो कोई पर्सन आया और इसे पैसा दे दिया, ठीक है, इसके पास पैसा आ गया। सो पैसे को रिसीव करने वाला कौन है, राम है, ठीक। तो राम क्या हो गया, रिसीवर। राम क्या होंगे फिर, यानी हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो वहां पर डेबिट होंगे। फॉर एग्जांपल राम को पैसा देने वाला भी कोई एक पर्सन रहा होगा, ठीक है, तो उस पर्सन को मान लेते हैं नाम वो थी सीमा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पैसे को पे करने वाली हुई, तो जो पैसा पे कर रहा है उसके पास से पैसा जा रहा है, तो जिसके पास से पैसा या गुड्स या कोई मटेरियल आउट होता है तो वो गिवर हो गया। ये कौन हो गया हमारे लिए, गिवर हो गए। और जैसे ही जो पर्सन गुड्स या कैश को रिसीव करता है तो वो कौन हो गया हमारे लिए, रिसीवर हो गया। तो जो रिसीवर है ये क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जो गिवर है वो क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक। तो ये हमारा रिसीवर एंड गिवर का कॉन्सेप्ट होता है कि जो पर्सन किसी भी मटेरियल कैश को गुड्स को एसेट्स को रिसीव करता है तो वो रिसीवर है, डेबिट, और अगर वही जो पे करने वाला होता है तो वो गिवर होता है, और गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमें आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अनदर टाइप इज विच इज पर्सनल अकाउंट, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल इन पर्सनल अकाउंट, विद फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड द सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आल्सो रियल अकाउंट, द फर्स्ट इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने यहां पर पूरा क्लासिफिकेशन पर्सनल अकाउंट की तरह इनका नहीं किया है,
क्योंकि टेंजिबल रियल अकाउंट एंड टेंजिबल इनटेंजिबल रियल अकाउंट, तो टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स और एसेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में लास्ट मेंशन कर दिया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सो यहां पर मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिखा है सिर्फ एग्जाम्पल में इनके, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स मीन्स क्या हो गया, सारी एसेट्स, जो भी हमारे सामने एसेट्स आएंगी वो सब हमारे क्या होंगे, रियल अकाउंट के नेचर में आ जाएंगे सारी एसेट्स। अब एसेट्स करंट होते हैं, नॉन करंट होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहां पर हम सिंपल सा आते हैं इनके रूल के कॉन्सेप्ट पे। रूल इज व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो गारंटी है आपको फिर न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फिर आप सोचेंगे बस इतनी चीज अगर याद करनी, तो हम एग्जांपल याद कर लिए, रूल याद कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिए, लास्ट लेक्चर में जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का कॉन्सेप्ट था वो लर्न कर लिए, तो हमारा तो प्रिपेयर हो गया। लेकिन ये लर्न हो जाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि याद तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका जो डीप कॉन्सेप्ट है जब तक वो नहीं समझ आएगा तब तक कैसे न्यूमेरिकल लगेगा। तो वही हम यहां पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आप एकदम अच्छे से इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सके, और जैसे जैसे फिर हम न्यूमेरिकल लगवाते रहेंगे यहां पे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ये गारंटी आपका क्लियर होता रहेगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, ये है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो यहां पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कैश गुड्स आएंगे और कैश गुड्स आउट भी होंगे, मतलब इन भी होगा और आउट भी होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, तो कैश हो गए, गुड्स हो गए या स्टॉक हो गए, मटेरियल हो गए, कोई भी ऐसी चीज हो गई, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक। अब यहां पर जैसे ही हमने कहा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही कोई गुड्स या कैश रुपीज जो भी है अगर इन होता है, कोई भी चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन हुई, एसेट्स, सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अब अगर कोई पर्सनल इन, पर्सन इन हुआ तो उसे भी कह देंगे, ये नहीं कि अगर राम इन हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आ गया हमारे लिए रिसीवर, या फिर ये हम कह देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, राम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो वो डेबिट, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की बात किया जा रहा है। तो कोई भी एसेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन होती है तो वो होता है डेबिट, और जैसे ही कोई भी एसेट सेम एज इट इज, जैसे कोई एसेट्स और स्टॉक इन होता है तो वैसे ही कोई एसेट्स और स्टॉक क्या होता है, या फिर कोई भी रुपीस आउट भी होता है, तो जो आउट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्रेडिट। तो जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चीज इन होगी वो डेबिट, और जो चीजें आउट होंगी वो क्रेडिट होंगी, क्लियर। ये हमारा पूरा रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा एक सिंपल सा, एक पूरा रूल के बेसिस पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। एंड द नेक्स्ट लास्ट विच इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स और गेन। प्रॉफिट्स गेन एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में चेंज होता है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन की बात जब हम करते हैं, तो जब भी हम एक्सपेंसेस किए, फॉर एग्जाम्पल अपने ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा घर है, अगर अपना है तो अच्छी बात है, अगर हम कहीं किराए पे रहते हैं तो उसका हर महीने रेंट पे करते हैं, तो अगर हमने रेंट पे किया तो वो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस। सैलरी पे किया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉयज को मैंने सैलरी पे किया तो भी एक्सपेंसेस। हमने कोई प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, और उसको हमने 100 रुपए के बजाय 95 रुपीज में अगर फॉर एग्जाम्पल बेचा तो 5 रुपीज का यानी हमने उस पर्सन को डिस्काउंट दिया, सो विच इज डिस्काउंट अलाउड। तो ये हमारे लिए तो लॉस हुआ ना, क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को 100 रुपीज का गुड्स बेचते तो हमें 100 रुपीज मिलते, बट हम उससे 100 रुपीज लेने की बजाय हमने उसे 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया तो हमें तो 95 मिले, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 रुपए क्या हो गए, लॉस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स व्हाट, कि अगर किसी भी, बैड डेब्ट्स वर्ड जो आता है वो डेटर्स से ही आता है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था डेटर्स का कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं तो उस पर्सन को हम डेटर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमने किसी पर्सन को गुड्स क्रेडिट पर बेचा, मीन्स उधार बेचा, लेकिन अगर वो हमें पैसा टाइम पर पेमेंट ही नहीं कर पाया, वो कहीं और अपना जो जिस जगह पे रहता था वो जगह छोड़कर भाग गया, तो फिर क्या होगा,
उस कंडीशन पे हमारा पैसा तो डूब गया ना, हमने जिस पैसे जिस पर्सन को अपना गुड्स बेचा था उधार, वो अगर भाग गया तो हमारा पैसा तो चला गया, हमें तो लॉस हो गया। तो उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, जब कभी अगर हमारा कोई डेटर्स पैसा लेकर भाग जाता है तो वो लॉस होता है हमारा बैड डेट्स। क्लियर? सो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम रूल की बात करते हैं तो रूल इज व्हाट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे, इनकम एंड प्रॉफिट्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। अब ये हमारा चूंकि लास्ट कॉन्सेप्ट है तो हम इसको और अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो मम्मी पापा का अकाउंट होगा, भैया का होगा, घर में किसी ना किसी का तो बैंक अकाउंट जरूर होगा। आप लोगों के पास पासबुक भी होगा, वो पासबुक जरूर देखिएगा। तो पासबुक में कुछ कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, उसमें लास्ट के कुछ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेबिट का कॉलम होता है एंड एक क्रेडिट का कॉलम होता है और एक टोटल अमाउंट होता है। हम टोटल अमाउंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम की बात करेंगे। सो जब भी हम बैंक में जाते हैं और बैंक में अगर हमने पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये है हमारा एक बैंक और बैंक में जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने पैसा डिपॉजिट किया तो एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीस कितना, या फिर अगर आप पासबुक पे प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा क्रेडिट कॉलम में कि आपके आपके अकाउंट में इतना रुपए प्लस हो गया। तो क्रेडिट मींस व्हाट कि अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, इट मींस कि हमारे पास इनकम हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, तभी तो हम उसे सेव करने के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। So, इसीलिए उसको कहां पे नोट किया जाता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए गेन होता है या इनकम या प्रॉफिट होता है। फिर उसी तरह से अगर हम कभी कभी होता है बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो तुरंत एक और मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, देखा होगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज इतना, ठीक है। सो डेबिटेड मींस क्या हुआ कि माइनस हो गया। तो अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, बैंक में से पैसा निकाल के पॉकेट में रख के घूमने के लिए तो निकालेंगे नहीं, हमें जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होगी, कुछ खरीदना होगा, किसी चीज का पेमेंट करना होगा, तो इसीलिए हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। सो इसीलिए जैसे ही विड्रॉ करते तो आप देखिएगा जैसे ही बैंक से पैसा आउट हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया जाता है हमारा डेबिट साइड में चला जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं, और जैसे ही हमने विड्रॉ किया तो ये हमारा डेबिट साइड में मेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम डेबिट साइड में क्या मेंशन कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस करने के लिए, तो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक से। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये पूरा जो गोल्डन रूल्स का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और एसेट्स के कॉन्सेप्ट, लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूंगा वो आपको डेली मिलते रहे। क्योंकि अब यहां पर हमारा थ्योरी बेस्ड ये जो रूल्स का कॉन्सेप्ट है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। अब यहां पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, विच इज अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अब वहां के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल का फुल कॉन्सेप्ट, फिर हम आपको न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम न्यूमेरिकल को लगाते हैं अपने अकाउंटिंग में, सॉल्यूशन बताएंगे और वो सारा प्रोसेस हम आपको टेक्निक सिखाएंगे एकदम सिंपल मेथड में, एक ट्रिक्स के थ्रू, जिससे आपका पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉमर्स जो स्ट्रीम है वो सभी के लिए क्या एक न्यू स्ट्रीम है और इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है आपको, तो यहां पर जो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा ये क्लास ओवर होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।